गाइस एक चीज दिखाता हूँ आपको, ये है कनाडा का स्कूल। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, आपकी कोई ड्रेस नहीं होती, आपको बस अपने घर के ड्रेस में आना होता है। एंड देन यहाँ पे एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती हैं, मतलब कितना कूल है, राइट? यू डोंट हैव टू वरी एनी, कोई ड्रेस पहननी नहीं है। इंडिया में क्या होता है, यू हैव टू वेयर स्कूल की ड्रेस आपको पहननी होती है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी पहन के आ जाओ, चिल रहता है सब माहौल। और यहाँ की स्टडी बहुत अमेजिंग है। यहाँ पे पता है क्या होता है, यहाँ पे आपको ना प्रोजेक्ट्स देते हैं, असाइनमेंट्स देते हैं, जैसे यहाँ पे डिजिटल चीज़ का ना बहुत ज़्यादा यूज़ होता है अर्ली क्लास से ही, जो कि इंडिया में मिसिंग है। इंडिया में आपको जैसे डिवाइस का नॉलेज नहीं देते हैं ना, लैपटॉप वगैरह का, बट यहाँ पे आपको सारे काम, मोस्ट ऑफ द काम लैपटॉप में करने होते हैं। आपको PPT बनानी होती है, आपको वर्ड, एक्सेल, ये सारी चीज़ें ना अर्ली एज से ही आपको सिखाते हैं। और प्रेजेंटेशन बनाना, उसको प्रेजेंट करना, ये सारी चीज़ें आपको स्कूल में, कनाडा में अर्ली एज में बताते हैं, विच इज़ रियली गुड। इंडिया में ये चीज़ की बहुत कमी है, और बंदे बहुत ज़्यादा यू नो शाय फील करते हैं किसी के सामने खड़े होके बोलने में। तो यहाँ के बच्चे इसीलिए खुले हुए होते हैं, बिकॉज दे आर डूइंग इट फ्रॉम देयर अर्ली एज। स्कूल से ही उनको सारी चीज़ सिखाई जाती है, आप प्रेजेंटेशन बनाओ एंड सारे लाइक बच्चों के सामने उसको प्रेजेंट करना होता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये बहुत कूल चीज़ है। जो मैंने अपनी स्टडी डन करी थी उसमें भी ये सारी चीज़ें थी, मेरे लिए तो बहुत नई थी। जब जो फर्स्ट फर्स्ट सेकेंड वीक था ना, वो तो इट वॉज़ लाइक हेल्प फॉर मी, क्योंकि सारी नई चीज़ें थी, मैं बिल्कुल नया था, मुझे कुछ पता ही नहीं था। और प्लेगरिज्म, एक वर्ड सुना मैंने यहाँ पे, प्लेगरिज्म यहाँ पे इंडिया में सुना ही नहीं था। यहाँ पे क्या होता है कि आपको जो टास्क मिलते हैं, यू कांट कॉपी इट। अगर आप कुछ टास्क कॉपी कर रहे हो तो आपको नीचे रेफरेंस डालना पड़ता है। इन लोगों के पास सॉफ्टवेयर होता है, वो आपका जो कंटेंट होता है, जैसे वर्ड में आपने कुछ बनाया, ठीक है, किसी भी रैंडम टॉपिक पे आपने कुछ बनाया, एंड देन वो आपने सबमिट कर दिया इनकी वेबसाइट पे, और वो पीछे से चेक करते हैं कि जिस बंदे ने इसको बनाया है वो कोई कॉपी तो नहीं करा, अपने थॉट्स ही लिखे हैं या फिर कहीं से कॉपी मारा है। अगर आपने कॉपी मारा है तो आपको फेल कर देते हैं, राइट अवे स्ट्राइक आ जाएगी आपके पास कि भाई ये कंटेंट आपका कॉपी है, सॉरी आपको रिसबमिट करना पड़ेगा, या तो रिसबमिट करना पड़ता है या फिर फेल कर देते हैं आपको। तो ये चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा डराया था यहाँ पे, क्योंकि इंडिया में क्या होता है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट, राइट? आप जो बुक मिलती है उसी में से पढ़ो, वही लिख दो एग्ज़ाम में। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको अपने ओन वर्ड्स में लिखना होता है सब कुछ, आप कोई भी कंटेंट कॉपी नहीं कर सकते हैं, विच इज़ रियली गुड। तो फर्स्ट 2 वीक्स तो मेरे बड़े ही खतरनाक गए थे, उसके बाद फिर मेरे को थोड़ी चीज़ें समझ आने लगी कैसे चीज़ें चलती हैं यहाँ पे। और यहाँ के स्टडी में क्या होता है कि आपको जैसे डेली क्विज होते हैं, क्विज दे देते हैं, तो यार 60-50% आपका जो टास्क होता है आउट ऑफ 100, वो क्विज करते करते ही निकल जाता है। बाय वीकली टॉपिक्स होते रहते हैं, नेक्स्ट वीक क्विज हो जाता है, ग्रुप डिस्कशन हो जाता है, तो उसमें मार्क्स ना मिलते रहते हैं। तो यहाँ पे पढ़ाई की तो लोड ही नहीं है, इतनी ईजी पढ़ाई तो कहीं नहीं हो सकती, बट पढ़ाई का जो तरीका है पढ़ाने का, वो बहुत डिफरेंट होता है अब्रॉड में कंपैरेटिवली इंडिया। इंडिया की पढ़ाई बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको, मेरे को स्टिल पता है, 12th क्लास में मैथ्स के 2 बुक्स होते थे, आई स्टिल रिमेम्बर, और मेरे को मिला था, हमें मिला था 3 दिन का गैप एग्ज़ाम के लिए। तो 3 दिन में आपको सारी चीज़ें कवर करनी होती, कितने चैप्टर्स होते हैं, 15-16 चैप्टर्स, उसके ऊपर भी शायद वो होते हैं पार्ट्स में होते हैं ना, जैसे फर्स्ट चैप्टर है तो चैप्टर के अंदर भी बहुत सारे पार्ट रहते हैं। तो इंडिया में बहुत ज़्यादा टफ है पढ़ाई गाइस, फॉरेन में बहुत इजी है। जो कोई भी फॉरेन आना चाहता है पढ़ने के लिए, दे डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, चिल रहता है, बस आपको थोड़ा टाइम लगेगा, 2 वीक्स, थोड़ा खुले में सबके सामने आपको चीज़ें प्रेजेंट करनी पड़ती है, सब नए होते हैं, इंडिया में ऐसी चीज़ें होती नहीं है, राइट? इसमें हमारी भी गलती नहीं है, बट 1-2 हफ्ते बाद आपको सब बैक टू नॉर्मल लगता है।
जो कि बहुत ज्यादा कूल चीज है। बस मेरे को ये चीज बतानी थी। थैंक यू सो मच गाइस। इफ यू लाइक दिस वीडियो लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, और सब्सक्राइब तो करना भूलना ही मत। स्टे सेफ।